फरुखाबाद में तहसील सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा 2 दिवसीय महिला जनसुनवाई जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला आयोग के सदस्य डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल ने महिलाओं की समस्याएं सुनी। चौपाल में ग्राम फतेहपुर पुरौरी निवासी गुंजन शाह के पुत्री रामवरण शाह ने शिकायती पत्र देते हुए कहा, उनकी शादी को 8 वर्ष हो चुके हैं, उनकी 2 पुत्रियां हैं। पिछले 4 माह से उनके पति धीरज, सास नंदी देवी, ससुराल उन्हें प्रताड़ित करते हैं, जिसकी शिकायत पिछले 15 अक्टूबर को उन्होंने मऊ दरवाजा में कराई, जिसमें पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं मुबारकपुर नगर कोतवाली कायमगंज निवासी एक युवती ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया, वो अपने घर में अकेली थी। 1 मार्च की शाम 7:30 बजे उसके घर के सामने रहने वाले युवक ने घर में घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने विरोध किया लेकिन वो न माना। वही किसी तरीके से प्रार्थनी उसके चंगुल से छूटी और शोर मचाने लगी। इस पर युवती के पिता भाई मौके पर पहुंच गए, किसी तरीके से उसे चंगुल से छुड़ाकर घर लाए। थोड़ी देर बाद वो अपने साथियों के साथ उसके घर पहुंचा, मारपीट कर उसने लहूलुहान कर दिया। इसके बाद युवती अपने परिजनों के साथ कोतवाली कायमगंज पहुंची, जहां उसने तहरीर दी। पुलिस ने मामूली NCR लिखते हुए मामले को रफा दफा किया। पीड़ित ने महिला आयोग के सदस्य से गुहार लगाते हुए कहा, वो इस घटना से काफी परेशान है, जिस पर महिला आयोग के सदस्य डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल ने संबंधित अधिकारी को त्वरित घटना के संबंध में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। कुल मिलाकर महिला जनसुनवाई एवं चौपाल में 6 शिकायतें आईं, जिनसे संबंधित विभाग को सौंपकर कार्रवाई करने की बात कही गई। महिला आयोग के सदस्य डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उनका विद्यालय स्टाफ ने फूलमालाओं से स्वागत किया। वहीं बच्चों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस दौरान डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल ने बोलते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन शक्ति योजना, नारी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर तहसीलदार प्रदीप सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद संरक्षण अधिकारी सचिन सिंह, महिला कल्याण अधिकारी नेहा मिश्रा, जिला समन्वयक कुमुदिनी रमन, महिला थाना प्रभारी फतेहगढ़ विनीता सारथी, कोतवाली प्रभारी डॉक्टर विनय प्रकाश रॉय, डॉक्टर विकास शर्मा, महिला नगर अध्यक्ष उर्मिला सिंह, नगर महामंत्री अनुराधा दुबे, नगर उपाध्यक्ष अनीता गंगवार, मंजू अग्रवाल, मधु गुप्ता, प्रिया गुप्ता सहित तमाम लोग एवं अधिकारी व कर्मचारी मौजूद। गलत फरमाई में कितनी एप्लीकेशन आई है, कितने का मौका नुकसान किया गया? 6 एप्लीकेशन आई है और वो मार्क कर दी गई, क्योंकि निस्तारण तो तुरंत संभव होता नहीं है, या तो समझौता हो जाए, लेकिन समझौता भी इतना आसान एकदम नहीं हो सकता, तो इनको मार्क कर दिया गया। लेकिन महिला आयोग से जो भी मार्क की जाएंगी उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। मैडम, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है यहाँ मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमें पता लगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चलाई, तो हमें ये लगा कि बड़ी छोटी सी योजना है और प्रधानमंत्री जैसे वरिष्ठ लोग इस पर काम करेंगे, लेकिन जब हमने इसी गंभीरता को देखा तो लगा वाकई में समाज के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और बेटी बचेगी तभी बेटी पढ़ेगी, बेटी ना बचने से समाज में आपने देखा होगा पहले संतुलन, लैंगिक संतुलन खराब हो रहा था, लड़कियां कम थी लड़के ज़्यादा थे, और जो समाज में समस्या आ रही है छेड़खानी और इसके पीछे ये लैंगिक असंतुलन भी जिम्मेदार था। तो इससे हम मैं देख रहे हैं कि जो बेटी बचाने के ऊपर जो कार्यक्रम चल रहा है वो इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसके ऊपर बहुत ही गंभीर हैं, तो उससे समस्या काफ़ी कम हुई है। और बेटी पढ़ाने की जहाँ तक बात है, बेटी पढ़ाने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि शुरू से लेकर आखिर तक सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है, और यदि लोग जागरूक हो जाएं, उन्हें पता लग जाए, तो बच्चे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित ही समाज में बहुत कुछ सुधार आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।